टाटा आईपीएल का अगला मुकाबला जो यहाँ होने वाला है गुजरात वर्सेस आरसीबी के बीच में, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यहाँ पर ये मैच होगा। यहाँ पर अगर हम देखें आरसीबी, यहाँ पर आपको पता ही है कि बाहर हो चुकी है और गुजरात के लिए मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीतना। अब गुजरात जीतेगी तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आप समझ सकते हो कि गुजरात काफी एग्रेसिव इस मैच को खेलेगी, और हमें पता है कि हमें जो टीम बनानी है वो बैट्समैन के फेवर में बनानी है, क्योंकि इस पूरे सीजन के अंदर हमने ये बात नोटिस की है कि बैट्समैन यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी टीम के अंदर बैट्समैन भर दो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी यहाँ पर आप बैट्समैन को ही बनाओ, वो ज्यादा चीजें सही रहेगी, ठीक है। इसके अलावा स्पिनर को यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा, फास्ट बॉलर थोड़े से कम रखेंगे, और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर गुजरात के पास बहुत बेहतरीन स्पिनर है यहाँ पर, तो उनको आप अपनी टीम में वेटेज आप दोगे। जैसे कि मानते हैं कि राशिद खान वगैरह है, इनको यहाँ पर विकेट नहीं मिल पा रहे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि राशिद खान बहुत बड़ा बॉलर है, ठीक है। अगर वो इतना ही बड़ा है तो ये चीज़ आप समझते हो कि अब जैसे राशिद खान जो है, जैसे कि अगर वो अच्छी बॉलिंग करेगा तो सामने वाले बैट्समैन को पता है कि भाई इसकी बॉल पर मैं आउट हो सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि राशिद खान को यहाँ पर विकेट ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि संभल के खेल रहा है ना, तो सामने वाला रन भी नहीं ले, ज़्यादा रन भी नहीं बनाएगा, और संभल के खेलने के चक्कर में उसके विकेट भी नहीं गिरेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इनिंग के अंदर गुजरात यहाँ पर खेलती है और बहुत ज़्यादा रन यहाँ पर बना लेती है, उस केस के अंदर आरसीबी को वो रन चेस करने पड़ेंगे, रन चेस करने के लिए एग्रेसिव खेलना पड़ेगा, तो उस केस के हिसाब से फिर राशिद खान को यहाँ पर विकेट मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सीनरी आपको मैं बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर, जिससे आप अच्छी खासी टीम बना पाओगे और हो सकता है आपकी रैंक वन भी आ जाए, तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखना, ठीक है। तो वीडियो में अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी समझ लो। सबसे पहले तो अपन प्लेयर डिस्कस करेंगे, दोनों टीमों के प्लेयर समझेंगे कि प्लेयर किस तरीके के हैं। इसके बाद वेन्यू की बात करेंगे, पिच बिहेवियर की बात करेंगे, दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करेंगे, विनिंग की टीम बात करेंगे कि दोनों टीमों का फॉर्म कैसा चल रहा है। इसके बाद बात करेंगे डिटेल्स में, डिस्कस में कि यहां पर आपको कौन सा प्लेयर ड्रॉप करना है और कौन सा प्लेयर लेना है। इसके बाद बात करेंगे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन, देन फाइनल टीम भी मेरी दिखाऊंगा कि एक्चुअल में मैं जो टीम बना रहा हूं वो कैसी है। टीम देखने के बाद आप अपने हिसाब से उसमें चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, और वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए एक ऐसा ऐप लाया हूँ जहाँ पर आप कम से कम 1 करोड़ रुपये तो जीतोगे रैंक वन लाकर। आप कैसे जीतोगे, कहाँ जीतोगे, ये सब अपन वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि वीडियो में गिवअवे भी हो रहा है, अगर आप गिवअवे विनर बनना चाहते हो तो वीडियो को पूरी देखना, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बन सकते हो। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि परफेक्ट विन की टीमें सबसे बढ़िया होती है, और पूरी इन डेप्थ रिसर्च करके मैं आपको बनी बनाई टीमें देता हूँ और फाइनल टीम टेलीग्राम पर दे देता हूँ। फेक चैनल काफ़ी सारे बन चुके हैं, टेलीग्राम काफी सारे ऐड भी आ रहे होंगे, वो नीचे वो मेरी तरफ से नहीं होते, बाकी टेलीग्राम के अंदर मैं पर्सनली कोई भी ऐड आलतू फालतू प्रमोट चीजें नहीं करता हूं। बट हाँ, वो जो नीचे जो ऐड आ रहे हैं ना, वो टेलीग्राम की तरफ से वो लगभग सभी चैनलों में आ रहे हैं, और उसको अवॉइड किया करो। मेरा कोई सेकंड चैनल नहीं है, जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसी को फॉलो करना, ठीक है। और मैं प्राइम वाइम को भी कोई सपोर्ट नहीं करता हूं, ये चीज एकदम क्लियर बता रहा हूं। अब दोनों ही टीमों का देखें तो गुजरात और आरसीबी, ठीक है, गुजरात और आरसीबी का यहां पर ये मैच है। अगर इसका सीनरी देखोगे तो देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, रिद्धिमान शाह, ठीक है। अब जैसे अपन यहां पर गुजरात से बात करें, विकेट कीपर रिद्धिमान शाह सबसे बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसी के साथ में हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास एक आरसीबी से भी ऑप्शन है, वो है दिनेश कार्तिक, ठीक है। अब दिनेश कार्तिक का बताऊं तो थोड़ा सा सिंदूर ये समझना, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस मैच के हिसाब से रिद्धिमान शाह ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। एक तो दिनेश कार्तिक यहाँ पर मैं इसको क्यों अवॉइड करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर आप देखो विराट कोहली है, डुप्लेसी है, विविल जय के, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, तो उसके इसके अंदर फिर दिनेश कार्तिक इतना अच्छा ऑप्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो बहुत नीचे खेलने के लिए आ रहा है, ठीक है, बहुत नीचे खेलने के लिए आ रहा है, तो उस केस के अंदर फिर अपन इसके ऊपर वेटेज ही क्यों दें। तो अगर मुझे दोनों में से किसी एक के साथ में जाना होगा तो मैं रिद्धिमान शाह के साथ में जाना ज़्यादा फेवर करूंगा। अगर मुझे दिनेश कार्तिक को अगर सेलेक्ट करना है तो इन ऊपर में से 5 में से मिनिमम आपको 3 ड्रॉप करने पड़ेंगे, 3 ड्रॉप करोगे तब जाके इसको यहाँ पर आप वेटेज दे सकते हो, क्योंकि टीम लगभग अच्छी खासी है, टीम यहाँ पर संभल जाएगी। इनके बॉलर में दिक्कत है पर इनके बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपने को पता है कि स्वप्निल सिंह वगैरह यहाँ पर ऐड हुए हैं, तो जो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चीज़ बताऊं, पर ये सीनियर आपको समझना पड़ेगा कि दिनेश कार्तिक को सब यहाँ पर आपको 3 किसी को अवॉइड कर रहे हो, यानी कि ड्रॉप कर रहे हो, तो उसके इसके अंदर यहाँ पर लेना, वरना यहाँ पर मत लेना, ठीक है। तो एंड ऑफ दैन समझ चुके होंगे कि रिद्धिमान साहब बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। इसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ तो सुमन गिल अपने को पता है कि भाई इस वेन्यू के अंदर सुमन गिल बहुत बढ़िया खेलता है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। इस केस की सबसे मैं अगर बात करूँ तो सुमन गिल तो आपकी टीम के अंदर होना चाहिए, और ये कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब सुमन गिल का यहाँ पर साथ देने के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेहतरीन ऑप्शन कौन सा होगा अपनी टीम के अंदर, वो होगा विराट कोहली भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन यहां पर रहने वाला है, ठीक है। तो अब यहां पर आप इसको कैप्टन बना सकते हो, इसको वाइस कैप्टन बना सकते हो, इसको कैप्टन बना सकते हो, तो फिर इसको वाइस कैप्टन बना सकते हो स्मॉल लीग की टीम के अंदर। ग्रैंड लीग की टीम के कॉम्बिनेशन आपको अलग अलग ट्राई करने पड़ेंगे, जैसे कि इन दोनों की जोड़ी विराट कोहली साथ में डुप्लेसी, ठीक है, इन दोनों को यहां पर आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो किसी एक टीम के अंदर। 5 से 6 टीम बना रहे हो तो किसी एक टीम के अंदर दोनों को ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर आप ट्रीट कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। डेविड मिलर की बात करें तो डेविड मिलर ओनली फॉर अगर गुजरात सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग कर रही है मैं तो ही टीम के अंदर शामिल रखूंगा, वरना यहाँ पर मैं इस प्लेयर को सीधा अवॉइड ही रखूंगा। तो उस केस के हिसाब से ही यहाँ पर टीम में रखो, बाकी यहाँ पर मत रखो कि सेकंड इनिंग के अंदर गुजरात बैटिंग कर रही है तो ही, ठीक है, बाकी नहीं रखना है। ओमर जय की बात करूँ तो इस मैच के लिए मेरा कोई खास रिकमेंडेशन नहीं है, इस प्लेयर को आप सीधा यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। शाहरुख खान और यहाँ पर राहुल तवेटे की बात करें तो इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना ग्रैंड लीग के अंदर, टीमों का कॉम्बिनेशन बनाओ तो दोनों के साथ में जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, एक साथ। देन बात करें राशिद खान, राशिद खान के बारे में वीडियो में शुरू में बताया था ना कि जैसे बहुत बेहतरीन है, लेकिन हमें सबको पता है, एक तो देखो अगर इसके पास बैटिंग का मौका आया तो हमने कुछ मैच इसके देख रखे हैं कि बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेगा अगर इसके पास मौका आता है तो, ठीक है, तो टीम के अंदर तो ये होना ही चाहिए, बैटिंग बॉलिंग दो से कंट्रीब्यूट कर देगा। और देखो बहुत अच्छा यहाँ पर बॉलर है, लेकिन हम सब जानते हैं कि यार बहुत बड़ा नाम है इसका, इतना बड़ा नाम है कि सामने वाले जो है इसकी बॉलों पर संभल के खेलेंगे। मैंने एक केस बताया था कि अगर गुजरात फर्स्ट इनिंग के अंदर बहुत ज्यादा रन बना देती है तो चेस करने के चक्कर में आरसीबी के विकेट अच्छे खासे गिर सकते हैं, तो उस केस के हिसाब से भी राशिद खान को विकेट यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये सीनरियो ध्यान में रख के ही यहाँ पर आप राशिद खान को वेटेज देना, ठीक है। साई किशोर की बात करें तो इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, नूर अहमद 50-50 रेशियो रहेगा, कुछ टीमों में रखो कुछ टीमों में मत रखो। मोहित शर्मा का सिलेक्शन रेशियो कुछ 36% के आसपास मुझे दिखा रहा है, इतना कम सिलेक्शन रेशियो ये डिजर्व नहीं करता, ये प्लेयर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा प्लेयर भी है और हमें पता है कि अगर इसके पास मौका आता है तो डेफिनेटली अच्छे खासे विकेट ये ले सकता है, ठीक है, एक मैच के अंदर। तो इसको भी आपको अपनी टीम के अंदर शामिल करना है, मोहित शर्मा को ड्रॉप मत करना, काफी सारे लोग यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं पर आपको यहाँ पर ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। संदीप की बात करें तो इस मैच के लिए इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसको यहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हो। साई सुदर्शन इंपॉर्टेंट है, साई सुदर्शन को मिस करने की गलती मत करना, ये आपकी टीम के अंदर होना चाहिए और वेटेज भी दोगे, ठीक है, बढ़िया प्लेयर है ये, अपन इसके ऊपर वेटेज यहाँ पर दे सकते हैं। देन यहाँ पर अपन बात करें आरसीबी की, कि आरसीबी टीम से अपन किसको यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अगर आप आरसीबी टीम को यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो नोटिस करना सबसे पहले है विराट कोहली और डुप्लेसी, ठीक है, ये दोनों के दोनों सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, इनके ऊपर ज्यादा बात करने की मुझे जरूरत भी नहीं है। कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि किसी एक टीम के अंदर आप इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो, इनकी ये कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन बनेंगे। इसके बाद यहाँ पर बात करूँ विल जेक की, इतनी कुछ ज्यादा अच्छी पारी इसको मिली नहीं है, पर हाँ इस सीजन के अंदर हो सकता है इसकी कोई अच्छी पारी आ जाए, ठीक है, तो इस मैच के अंदर भी मिल सकती है। तो वाइस कैप्टन के तौर पे एक टीम के अंदर किसी में हाई रिस्क के तौर पे ट्राई कर देना, अगर 5 से 10 टीम बना रहे हो तो किसी एक टीम के अंदर इसको एज अ वाइस कैप्टन के तौर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसका रजत पाटीदार की बात करें तो आप इसको 50-50 रखो, कुछ टीमों में रखो कुछ में अवॉइड करो, कैमरून के लिए इंपॉर्टेंट है, स्मॉली के अंदर ड्रॉप करने की गलती मत करना, प्लेयर आपकी टीम में होना चाहिए। दिनेश कार्तिक को यहाँ पर अपन ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इन 5 में से किसी 3 को अगर ड्रॉप कर रहे हो, क्योंकि भाई ऊपर वाले आउट होंगे तब जाके कहीं दिनेश कार्तिक को मौका मिलेगा ना, नहीं तो फिर दिनेश कार्तिक को मौका कैसे मिलेगा। तो उस केस के हिसाब से दिनेश कार्तिक सिर्फ इस सिनेरियो के अंदर आपकी टीम के अंदर होगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। महिपाल की बात करें, महिपाल और करण शर्मा इन दोनों में से किसी एक के साथ में आप ग्रैंड लीग के अंदर वेटेज दे सकते हो। लोकी फर्गुसन बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर मिस मत करना। मोहम्मद सिराज भी अपनी टीम के अंदर अपन शामिल करेंगे, यश की बात करें तो इसको इतना वेटेज नहीं देंगे, और इस प्लेयर को अपन जिसके स्वप्निल को अगर मैं बात करूँ तो स्वप्निल सिंह जो है वो किसी एक टीम के अंदर डेफिनेटली वेटेज दे सकते हो, अच्छा प्लेयर है, इसको विकेट्स यहाँ हो सकता है इस मैच के अंदर मिल जाए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हाँ इसको अपन कुछ टीमों में ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है, ये प्लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। अब यहाँ तक सीनरियो समझ चुके हैं तो एक बार वेन्यू भी देख लेते हैं कि वेन्यू किस तरीके का है। अगर यहाँ पर वेन्यू पे एवरेज स्कोर की बात करें तो अपने को पता है यहाँ पर 170 के आसपास का दिखा रहा है, पर अगर मैं बताऊँ तो यहाँ 200+ रन आराम से बन जाएंगे, ठीक है, 200+ रन के आसपास आप मान के चलो, दोनों ही टीमें बढ़िया है, दोनों ही टीमें रन यहाँ पर बना सकती है, तो 200 के आसपास रन यहाँ मान लो, ठीक है। टोटल मैच की बात करें 24 मैच का अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग के अंदर जो टीम बैटिंग करती है यहाँ पर 55% मैच वो विन कर रही है, सेकेंड इनिंग के अंदर जो टीम बैटिंग कर रही है वो यहां पर 45% विन कर रही है, यानी कि फर्स्ट इनिंग के अंदर बैटिंग और फर्स्ट इनिंग के अंदर बॉलिंग लगभग वही सिनेरियो यहां पर हो गया, ठीक है। बाकी पिच वगैरह की यहां पर देख समझ सकते हो कि ठीक है, हल्की फुल्की ग्रास होगी और बाउंड्री भी रिसेंट ही है यहां पर, रन वगैरह थोड़ा सा ऐसा रहता है सिनेरियो, लेकिन आप लगभग मान के चलो ये टीम बना लेगी दोनों मिलकर आराम से 200+ रन, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको चलना है, पिच वगैरह को भी समझ लेते हैं कि किस तरीके की रहने वाली है। तो एवरेज स्कोर यहां पर 170 का, पर मैंने आपको बोला है कि 200+ यहां पर रन बन सकते हैं, आप कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कितने रन यहां पर बन सकते हैं, ठीक है। और यहां वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, किसका वेट करो, वो लाल बटन जल्दी से व्हाइट हो जाना चाहिए, ठीक है, तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं लग रहे हैं, तो अभी का अभी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।
सीनरी अगर देखें तो बैटिंग फ्रेंडली पिच कितनी है 60% की, और बॉलिंग फ्रेंडली पिच कितनी है 40% है। ठीक है, 60% जो है बैटिंग फ्रेंडली है, बॉलिंग फ्रेंडली 40% है। और अभी तो वैसे भी सब बैट्समैन ही अच्छा कर रहे हैं पूरे सीजन के अंदर, हम देख रहे हैं कि इस बार तो ताबड़तोड़ रन बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा रन बन रहे हैं। ऑल ओवर सीनरी देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा फास्ट बॉलर 74% और स्पिनर जो है वो 32%, पर थोड़ा सा स्पिनर को अपन ज़्यादा वेटेज देने वाले हैं, यहाँ पर स्पिनर को अपन ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि भाई गुजरात के पास भी बहुत बेहतरीन स्पिनर है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। ठीक है, दोनों टीमों की बात करें, आमने सामने इन्होंने 3 मैच खेले हैं जिसमें से 2 यहाँ पर गुजरात ने जीते हैं और 1 यहाँ पर आरसीबी ने जीते हैं। ठीक है, 3 ही मैच हुए तो इसके हिसाब से आप डिसाइड नहीं कर सकते तो एक टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है। ऑल ओवर बात करें, गुजरात अपना लास्ट मैच हारी हुई है और आरसीबी ने अपना लास्ट मैच विन किया है। ठीक है, फाइनली काफी सारे मैच फाड़ने के बाद यहाँ पर इन्होंने विन किया और अच्छा था चलो मैच। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आरसीबी को मैंने 45% का रेशियो दे रखा है, गुजरात को 55% का दे रखा है, क्योंकि ये वाला जो मैच है ये गुजरात के लिए जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से फिर गुजरात थोड़ा सा एग्रेसिव खेलेगी, रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहेगी, तो हो सकता है ये टीम जीत भी जाए थोड़ा संभल के खेले तो। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो अपन ये भी जानते हैं कि हाँ भाई गुजरात यहाँ पर अच्छा करेगी। ठीक है, और गुजरात के पोजीशन प्लेयर 11 देखे तो कौन कौन है, रिद्धिमान शाह, सुमन गिल, डेविड मिलर, ओमर जई, राहुल तवेटिया, इसके अलावा शाहरुख खान, राशिद खान, साई किशोर, नूर अहमद, मोहित शर्मा, संदीप, इसके अलावा देखोगे तो साई सुदर्शन। ठीक है, तो ये सभी इंपैक्ट प्लेयर के साथ में 11 पॉसिबल प्लेयर 11 हो गए। अब यहाँ पर अपन टीम को देखते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन समझते हैं और वैन फाइनल टीम देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा माई 11 सर्कल के बारे में, जहाँ पर रैंक 1 लाने पर आपको मिलेगा मिनिमम 1 करोड़ रुपये का प्राइस यहाँ पर आपको मिलता ही है। ठीक है, कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा और कमेंट में पिन कर रखा है, कहीं से भी जाकर डाउनलोड कर देना। डाउनलोड करने के बाद आप जब मेगा कॉन्टेंट चेकोगे तो उस मेगा कॉन्टेंट के अंदर आपको जो रैंक 1 का प्राइस देखेगा वो या तो 1 करोड़ रुपये होगा या मिनिमम 1 करोड़ रुपये होगा। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, और अपना पहला डिपॉजिट आप करते हो तो यहाँ पर आप win20 कूपन कोड यूज़ करोगे तो मिलेगा 20% रियल एक्स्ट्रा कैश, और साथ में 1500 का कैश बोनस भी है। पर ये समझो कि जो 20% है वो कैसे मिलने वाला है, 200 पे 240, 500 पे 600, 1000 पे 1200, और वो एग्जांपल था, और हाँ क्या 1500 का कैश बोनस भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी का भी ऐप को डाउनलोड कर देना, मैंने तो अपनी टीम यहाँ पर बना दी है, और आपने अभी तक अपनी टीम नहीं बनाई हो तो जल्दी से बना देना। ठीक है, अब टीम समझ लेते हैं, क्योंकि अपनी जो टीम लगाएंगे वो टीम अपन बना कैसे रहे, तो टीम को देखो सबसे पहले तो अपन साई सुदर्शन की बात करते हैं। ठीक है, या साई सुदर्शन की बात करूं तो मैंने बताया कि ये प्लेयर आपकी टीम के अंदर होना चाहिए, 84% का इसका सिलेक्शन रेशियो है। रिसेंट फॉर्म देखोगे तो 65 रन, 31 रन, 35 रन, 31 रन, 33 रन, ऑल ओवर देखें तो 30+ रन ये बना रहा है, और ये प्लेयर को अपन ड्रॉप करने का रिस्क लेना ही नहीं है। एवरेज भी देखोगे तो इसकी बहुत बेहतरीन है, यहाँ पर आप देखो 10 मैच की वेन्यू पे देखो 41 और T20 के देखो तो 47 का एवरेज है, तो एवरेज बहुत ज़्यादा है। इस केस के हिसाब से तो ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी टीम के अंदर होगा। ठीक है, अब बात करें रिद्धिमान शाह की, तो मैं दिनेश कार्तिक की जगह पर रिद्धिमान शाह को वेटेज दे रहा हूँ, ये प्लेयर अपनी टीम के अंदर आपको शामिल करना है, इंपॉर्टेंट है, विकेट कीपर से बेहतरीन है। और पॉइंट्स भी देखो तो 39 रन लास्ट मैच के अंदर बना रखे, इससे पहले 13, 11, 25, 21, 19, तो फैंटेसी के पॉइंट के हिसाब से ये प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ड्रीम टीम के अंदर भी आएगा तो डेफिनेटली अपन इसको शामिल करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्लेयर की, तो यहाँ पर देखोगे वो है सुमन गिल। ठीक है, सुमन गिल यहाँ मैं बात करूँ तो इसके अगर पॉइंट्स देखो तो कितना दिखा रहा है, 6, 35, 72, 19, 89, 36 और साथ में 8 रन। ठीक है, तो ऑल ओवर देखो लास्ट मैच के अंदर 6 रन की पारी के लिए, लेकिन इस सीजन के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर मैच की अगर मैं बात करूँ तो ये 50+ रन इस मैच के अंदर बना सकता है। ठीक है, क्योंकि गुजरात को ये मैच जीतना है तो कहीं ना कहीं 50+ रन बनाएगा, और इस पिच को ये थोड़ा सा फेवर भी करता है, यानी कि हाँ इसके हिसाब से ये थोड़ी सी अच्छी है, तो अपन भी समझते हैं कि हाँ भाई आराम से कर लेगा, तो फिर कैप्टन के हिसाब से स्मॉल लीग के लिए अंदर एक बेहतरीन ऑप्शन ही हो जाता है। तो सुमन गिल को अपनी टीम के अंदर शामिल करोगे। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें डेविड मिलर, डेविड मिलर में ओनली फॉर सेकेंड इनिंग के अंदर यहाँ पर वेटेज दूंगा, फर्स्ट इनिंग के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसेंट पॉइंट्स अगर देखें तो 55 रन, 4 रन, 44 रन, 21 रन, 12 रन, 8 रन, 22 रन, ऑल ओवर देखोगे तो पॉइंट्स इसकी काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर चल रही है, और फर्स्ट इनिंग के अंदर ड्रॉप कर देना, सेकेंड इनिंग के हिसाब से प्लेयर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अपन इसके अंदर इसको प्लेयर को वेटेज देंगे। ठीक है, अगले भी यहाँ पर बात करें तो ओमर जई के लिए इस मैच के लिए मैं सीधा ना कहना चाहूँगा, इस मैच के अंदर मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इस वाले मैच के लिए आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स इतनी इसकी कुछ खास नहीं होने वाली है। आगे बात करें शाहरुख खान की, तो इसका अगर आप देखो तो 8 रन, 8 रन, 14 रन, 23 रन, 3 रन, 17 रन, 15 रन। ठीक है, ऑल ओवर मैं बात करूँ पॉइंट्स इतनी कुछ तगड़ी नहीं, इसको भी यहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हो, हमारे पास बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, हम उसमें से किसी अच्छे प्लेयर को यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, बट इसको यहाँ पर हम सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हो। देन बात करें राहुल तवेटिया की, तो राहुल तवेटिया का देखो 4, 31, 22, 30, 23,
ऑल ओवर पॉइंट्स यहाँ पर देखोगे तो आपको ठीक ठाक आपको दिख रही होगी। इसको अगर वेटेज देना हो तो ग्रांडली की किसी एक टीम के अंदर ट्राई कर सकते हो, बाकी सारी टीमों में ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। स्मॉल लीग के लिए मेरा सीधा ना रहने वाला है, ग्रांड लीग में भी ऐसा है कि 4 से 5 टीमें हैं तो किसी एक टीम के अंदर अपन वेटेज देंगे, सारी टीमों में वेटेज यहाँ पर नहीं देने वाले हैं। राशिद खान की यहाँ पर बात करूँ तो राशिद खान तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसको आप ड्रॉप नहीं करोगे। मैंने बताया था कि गुजरात फर्स्ट इनिंग के अंदर ज़्यादा रन बना देती है तो फिर चेस करने के हिसाब से यहाँ पर आरसीबी काफ़ी अच्छे खासे रन बनाएगी और अच्छे खासे रन बनाने के लिए उनको उनके लिए हर एक ओवर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हर एक ओवर अगर उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो उस केस के हिसाब से राशिद खान को फिर अच्छे खासे विकेट यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये वाला सिनेरियो लेने के चक्कर में, मतलब ये सिनेरियो मैंने जो सोचा है वो अगर आप समझोगे तो उस सिनेरियो को मानते हो और लेने के चक्कर में यहाँ पर वो प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो अपनी टीम के अंदर फिर इसको शामिल करना ही करना है, ठीक है। तो ये सिनेरियो थोड़ा सा ध्यान रखना। साई किशोर की यहाँ पर बात करूँ तो इसको इतना कुछ खास रिकमेंड नहीं करूँगा, ग्रांड लीग के अंदर रोटेट कर लो, किसी टीम में ट्राई करना चाहो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बाकी फिर उस सबसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यहां पर आप ड्रॉप कर सकते हो। आगे बात करते हैं नूर अहमद की, तो नूर अहमद यहां पर इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 विकेट या आराम से ले लेता है। रिसेंट मैच भी देखो, 1 विकेट 2 विकेट 0-0, ठीक है। लास्ट के 2 मैच में काफी अच्छा कर रहा है, जिसको देखते हुए मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि हां भाई ये इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट है। राशिद खान के साथ में नूर अहमद को भी अपनी टीम में शामिल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्लेयर की बात करें संदीप, ठीक है। संदीप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यहां पर आप ड्रॉप कर सकते हो। ग्रांड लीग के अंदर किसी एक टीम के अंदर भले ही ट्राई कर लेना, बाकी ज्यादा टीमों में इसको ट्राई मत करना और स्मॉल लीग के हिसाब से भी मेरा सीधा ना है, ठीक है। आगे बात करें मोहित शर्मा, ये इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 विकेट हो सकता है इस मैच के अंदर इसको मिल जाए। विकेट देखो, रिसेंट मैच देखो, 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, सिलेक्शन रेशियो देखोगे तो 36% के आसपास का इसका सिलेक्शन रेशियो इसका बहुत कम है, इतना कम ही डिजर्व नहीं करता। प्लेयर बहुत अच्छा है, इस मैच के हिसाब से आपको अपनी टीम के अंदर शामिल करना है, आराम से इसको अच्छे खासे विकेट यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं बेंच प्लेयर की, तो देखो इधर से अगर बैट्समैन से विलियमसन खेलने के लिए आता है तो अपन अपनी टीम के अंदर वेटेज देंगे। इसके अलावा बॉलर्स में से जोशुआ आता है और स्पेंसर आता है तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये तीनों आते हैं खेलने के लिए, इन दोनों में से कोई भी आता है तो वेटेज देना है, बाकी किसी पे वेटेज देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा आप इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरसीबी की, कि आरसीबी के पश्चिमी प्लेइंग 11 कौन कौन है, तो ध्यान से समझो, विराट कोहली, डुप्लेसी, विल जैक, रजत पाटीदार, कैमरून ग्रीन, दिनेश कार्तिक, महिपाल, इसके अलावा देखोगे तो करण शर्मा, लोकी फर्गुसन, इसके अलावा देखोगे तो मसीरा, यश दयाल और स्वप्निल सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने कौन हो गया, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे हो गया, इसके अलावा यहाँ पर पोस्टमैन प्लेइंग 11 हो गए, ठीक है। सारे प्लेयर यहाँ पर समझते हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो विराट कोहली, अब विराट कोहली के बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, अब एवरेज भी देखोगे तो बहुत तगड़ा है। रिसेंट वॉयस भी देखो, 51 रन 18 रन 42 रन 3 रन 113 रन 22 रन और 83 रन के आसपास, ठीक है। लगभग पॉइंट्स इसकी बहुत तगड़ी, विराट कोहली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैप्टन वाइस कैप्टन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ये। कैप्टन वाइस कैप्टन के हिसाब से अगर इसको कैप्टन बना रहे हो या वाइस कैप्टन बना रहे हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन का और जो ऑप्शन है इसके साथ में स्मॉल लीग के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा सुमन गिल, और ग्रांड लीग के हिसाब से सुमन गिल के साथ में एक और ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर डुप्लेसी का, तो इनको भी यहाँ पर वेटेज दे सकते हो। अभी आगे मैं एक अच्छे से दिखा दूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन आपको एक साथ में, तो वहाँ पर आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जैसे डुप्लेसी की बात करूँ तो इस प्लेयर को अवॉइड नहीं कर सकते हो, 25 7 62 61 44 रिसेंट पॉइंट्स भी इसकी भी काफ़ी अच्छी है और आपको पता है कि इन दोनों की पारी दोनों के साथ मिलने पर बहुत अच्छी खासी हो सकती है, तो उसके इसके हिसाब से फिर आप डुप्लेसी को ड्रॉप नहीं कर सकते हो, इसको अपनी टीम में आपको शामिल करना है, ठीक है, इसको अवॉइड मत करना। आगे बात करें विल जैक, विल जैक की देखो इतनी कुछ धुआंधार पारी अभी कुछ टाइम से नहीं मिल रही इसको, जैसे 6 7 8 18 यहाँ पे देखोगे तो 55, यहाँ देखोगे तो 105 ऑल ओवर, यहाँ फिर भी ठीक दिख रही है, बाकी ऑल ओवर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस मैच के हिसाब से फिर विल जैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर मैं विराट कोहली को ले रहा हूँ, विल जैक को ले रहा हूँ और डुप्लेसी को ले रहा हूँ, तो उस केस के हिसाब से फिर मैं दिनेश कार्तिक को इतना कुछ खास यहाँ पर वेटेज नहीं दे सकता हूँ, फिर दिनेश कार्तिक को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर सिनेरियो आप लेके चलते हो तो डेफिनेटली आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है, एक अच्छा मौका है आपके पास तो अच्छी खासी अर्निंग करने का, यानी रैंक 1 लाने का, तो ये कॉम्बिनेशन आप चाहो तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो विल जैक आप शामिल करोगे अपनी टीम के अंदर। आगे चलते हैं और अगले प्लेयर की बात करते हैं, अब वो कौन है यहाँ पर, रजत पाटीदार। रजत की यहाँ पर बात करूँ तो मैं इसको यहाँ पर इग्नोर करूँगा, ठीक है। रजत पाटीदार स्मॉल लीग के सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप विल जैक को नहीं ले रहे हो तो विल जैक की जगह पे फिर आप जिसको लोगे वो है यहाँ पर रजत पाटीदार, उस केस के अंदर आप इस प्लेयर को लेना, दोनों को एक साथ में नहीं लोगे, दोनों में से किसी एक को यहाँ पर वेटेज देना। रिसेंट मैच भी देखो, 50 52 9 50 0 29, ठीक है।
मौका मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा कर रहा है, और जैसे विल जेगनिक कर खेल पा रहा है तब ये चल रहा है, और ये चल रहा है तब विल जेगनिक चल रहा है, तो इस तरह से सिंधु दोनों का है। कैमरन ग्रीन की बात करें तो कैमरन ग्रीन को अगर आप ड्रॉप नहीं कर सकते, ये प्लेयर भी इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी टीम के अंदर आप शामिल करोगे। 90% का सिलेक्शन रेशियो है, 37 रन के साथ में 2 विकेट, 6 रन के साथ में 2 विकेट, 5 रन और 9 रन, ठीक है। लास्ट के 2 मैच के अंदर इसकी पॉइंट्स बहुत तगड़ी है, इसको यहाँ पर आप ड्रॉप मत करना। स्मॉल लिखो ग्रांड लिखो, SL GL दोनों के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों ही केस के अंदर कोई भी टीम बना रहे हो, कैमरन ग्रीन को टीम में शामिल कर देना, अच्छे खासे रन बना भी सकता है और साथ में विकेट भी ले सकता है, ठीक है। देन दिनेश कार्तिक की बात करें, जब अपन सभी को यहाँ पर वेटेज दे रहे हैं तो फिर दिनेश कार्तिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि RCB के जो ओपनर है और जो ओपनिंग बैट्समैन है उसके बाद के बैट्समैन यहाँ पर सारे मिलाकर कोलैप्स हो सकते हैं, वो जल्दी आउट हो सकते हैं, तो उस केस के अंदर फिर दिनेश कार्तिक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, बाकी यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन ये नहीं रहेगा। 11 रन, 25 रन, 83 रन, 53 रन। रिसेंट पॉइंट्स की बात करें तो ठीक ठाक है यहाँ पर, कभी जब मौका मिलता था अच्छा कर लेता है, जब मौका नहीं मिलता तब नहीं चलता, वो सीनियर भी है, ठीक है। खेलने के लिए बहुत नीचे आता है इसलिए अपन अवॉइड करेंगे। महिपाल की यहाँ पर बात करूँ तो इसको सीधा अवॉइड कर सकते हो, इतना रिकमेंडेशन नहीं मेरी तरफ से, सीधा ना है इसको यहाँ पर टीम में, इतना वेटेज देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मैच के अंदर वैसे ऊपर वाले काफ़ी अच्छा कर लेंगे, ठीक है। करण शर्मा की बात करें तो इसके लिए भी मेरा सीधा ना है, ग्रांडली की किसी एक टीम के अंदर बॉलर्स के तौर पे आप ट्राई करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, बाकी यहाँ पर सिंगल टीम के अंदर आप वेटेज नहीं दोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्लेयर की, जो कि है यहाँ पर लोकी, लोकी फर्गुसन की यहाँ पर बात करूँ तो 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, ग्रांड लीग के अंदर इसको रोटेट करना सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। स्मॉल लीग के अंदर तो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन ग्रांड लीग के अंदर रोटेट करने के लिए इस प्लेयर को आप वेटेज दे सकते हो, ठीक है। तो ये प्लेयर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे यहाँ पर बात करते हैं ग्रांड लीग के हिसाब से, ठीक है, सिंगल टीम के हिसाब से लोकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। यश दयाल, तो यश को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, यश का भी मेरा सीधा ना है, ग्रांड लीग के अंदर रोटेट करो, वही सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है, बाकी यहां पर इतना वेटेज देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं यहां पर मोहम्मद सिराज, तो फिर ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल लीग को ग्रांड लीग को दोनों केस के अंदर ले लेना। 0-1, 0-1-1, 20% का सिलेक्शन रेशियो काफी कम है, लेकिन इस मैच का ये ट्रंप प्लेयर बन सकता है, जिसकी वजह से अपन इसको शामिल करने वाले हैं, इसको यहां पर अवॉइड हम नहीं करेंगे। ये प्लेयर आपकी टीम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। स्वप्निल सिंह के अगर मैं बात करूँ तो ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है, इस प्लेयर को यहाँ पर मिस मत करना। 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, लास्ट 3 मैच के अंदर इसने 1 से 2 विकेट आराम से लिए हैं, और इस मैच के अंदर मुझे लग रहा है कि इसको अच्छे खासे विकेट यहाँ पर मिल सकते हैं, तो उस केस के हिसाब से फिर तो ये अपनी टीम के अंदर होना चाहिए, इस प्लेयर को अपन अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैट्समैन में से, तो अनुज रावत अगर खेलने के लिए आता है तो वेटेज देना है बेंच में से। ऑलराउंडर से बात करूँ तो टॉम है, इसके अलावा ग्रीन है, और बॉलर से बात करूँ तो अरजाई, और इसके अलावा देखोगे तो हिमांशु शर्मा है, ठीक है। ये अगर खेलने के लिए आते हैं तो इन पर आप वेटेज दे सकते हो, बाकी ऊपर वेटेज देने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो इसको अपन ऊपर सिरका देते हैं ताकि आपको कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छे से दिख पाए, ठीक है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन को नोटिस करना, सेफ और रिस्की के सबसे बेहतरीन ऑप्शन देने वाला हूँ। सेफ साइड कौन कौन है, विराट कोहली है, सुमन गिल है, ग्रीन है, इसके अलावा देखोगे तो साई सुदर्शन है, ठीक है। कोहली की बात करें 50%, वाइस कैप्टन पे 13%, इसी के साथ में अगर देखोगे सुमन गिल कैप्टनशिप पे 13% है, वाइस कैप्टन 27% सिलेक्शन रेशियो है। ग्रीन के अगर देखें कैप्टनशिप पे 10, वाइस कैप्टनशिप पे 12, साई सुदर्शन का देखो कैप्टनशिप का 4, वाइस कैप्टनशिप का 12%, ठीक है। अब जैसे कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन विराट कोहली, सुमन गिल, ये दोनों के कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन रहने वाले हैं इस मैच के हिसाब से, और इनके अलावा भी अगर ट्राई करने हो तो ग्रीन और साई सुदर्शन को यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, दोनों सबसे बेहतरीन ऑप्शन है और ये कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया होगा स्मॉल लीग के हिसाब से। लेकिन अगर ग्रांड लीग की टीम बनाना चाहते हो तो इस सेफ कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा रिस्की डाल दो कि कैप्टन यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो तो वाइस कैप्टन यहाँ से कर लो, और कैप्टन यहाँ से कर रहे हो तो वाइस कैप्टन यहाँ से कर लो, ठीक है। तो कौन कौन ऑप्शन है, एक तो विल जेक का ऑप्शन है 4 से 5% का कैप्टनसी का 4 और वाइस कैप्टनसी का 5% है। जैसे विल जेक की इतनी कोई बड़ी पारी अभी लास्ट के कुछ मैच में आई नहीं है, तो हो सकता है इस मैच के अंदर इसकी अच्छी खासी पारी आ जाए, ठीक है। तो इसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्लेयर, ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन के हिसाब से। इसी के साथ में राशिद खान, जैसे कि राशिद खान का कैप्टनसी का 1% है, वाइस कैप्टनसी का 4% है, पर राशिद खान सिर्फ एक इसके अंदर यहां पर इंपॉर्टेंट होगा कि गुजरात अगर पहले यहां पर बैटिंग करती है और अच्छे खासे रन 200 रन प्लस बना देती है, उस केस के हिसाब से अगर पहले इनिंग के अंदर वो बैटिंग कर रही है तो फिर राशिद खान को अच्छे विकेट यहां मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आरसीबी पहले इनिंग में बैटिंग करेगी तो फिर राशिद खान अगर बॉलिंग करने आया तो आरसीबी संभल के खेलेंगे, लेकिन उस समय सेकंड इनिंग के अंदर आरसीबी को अच्छे खासे रन बनाने का प्रेशर होगा, तो रन बनाने के चक्कर में हर ओवर उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और हर ओवर अगर इंपॉर्टेंट है तो उस केस के हिसाब से फिर राशिद खान इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर इसको विकेट यहां आराम से मिल सकते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, और सेम का सेम सिंधु यहाँ पर मोहित शर्मा भी ट्राई कर ही लेना, ठीक है। कैप्टनसी का 1%, वाइस कैप्टनसी का 1%, ये थोड़ा सा सेफ है इसमें, और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा रिस्की है, जो 20 टीमें बना रहे हैं ओनली फॉर वही यहाँ पर इसको ट्राई करना, और जो 10 टीमें बना रहे हैं वो ये वाला सिंधु एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों सिंधु समझा दिए, अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली
मेरे सीनियर के साथ में अगर आपको जाना चाहिए तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा, आप सही सोच रहे हो, आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा सकते हो। ठीक है, अब मैं सीनियर की बात करते हैं गिवअवे की, तो लास्ट वीडियो के गिविनर यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इनको इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, कहीं पे भी आपका प्राइस मनी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप इनकी तरह विनर बनना चाहते हो और हाँ इनकी तरह विनर बनना चाहते हो तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। ठीक है, अब जैसे आज यहाँ पर फिर से दो मैच होंगे तो उन दोनों का एक साथ में विनर अनाउंसमेंट करूंगा नेक्स्ट मैच की वीडियो के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप सीनियर देखो तो अगर आपने सबसे पहले तो माई लर्न सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, कमेंट से पिन कर रखा है, जाके डाउनलोड कर देना। यहाँ पर रैंक वन पे मिनिमम जो प्राइस होता है वो मिनिमम 1 करोड़ रुपये का होता है। इसके अलावा डाउनलोड करने का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में देगा, कमेंट से पिन कर रखा है, जाके डाउनलोड कर देना। ठीक है सीनियर, अब यहाँ पर देखो टीम को, देखो टीम कैसे बना रखी है। विकेट कीपर से मैंने देखो रिद्धिमान साहू दे रखा है, दिनेश कार्तिक मुझे इतना अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बहुत नीचे खेलने के लिए आ रहा है, मैं दिनेश कार्तिक पे यहाँ पर वेटेज नहीं देना चाहूंगा, उसकी जगह पे अपने पास और भी अच्छे ऑप्शन है, अपन उनके साथ में यहाँ जाना प्रीफर कर सकते हैं। जैसे कि मैं विल जे को भी अपनी टीम में रख रहा हूँ, विराट कोहली को रख रहा हूँ, डुप्लेसी को रख रहा हूँ, तो उस केस के हिसाब से फिर यहाँ पर अपन दिनेश कार्तिक के साथ में जाना प्रेफर नहीं करेंगे। बैट्समैन बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन बहुत नीचे आ रहा है जिसकी वजह से फिर हम उसको इतना वेटेज नहीं देंगे। अगर आपको लगता है ये टीम जल्दी कोलैप्स हो सकती है, ओपनर के बैट्समैन जल्दी आउट हो सकते हैं, तो उस केस के अंदर फिर आप दिनेश कार्तिक को भी टीम में रखोगे, लेकिन उस केस के हिसाब से जैसे कि डुप्लेसी है, विल जैक है, ये सब टीम में नहीं रहेंगे, तब जाके फिर आप दिनेश कार्तिक को रखोगे। अगर दिनेश कार्तिक को रख रहे हो तो इन दोनों को मत रखना, और इन दोनों को रख रहे हो फिर दिनेश कार्तिक को मत रखना। ठीक है, क्योंकि टीम आपस में क्रॉस नहीं होनी चाहिए, एक अच्छे से लॉजिक के हिसाब से बनी हुई होनी चाहिए, तुक्के से हर कुछ नहीं बनी होनी चाहिए कि 100 में से 1 मैच तुक्के से जीता जा सकता है, वो भी क्योंकि किस्मत बहुत अच्छी होगी वो जीत जाता होगा, बाकी 99 मैच के अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक लगता ही है। ठीक है, और इस बात से अगर एग्री करते हो तो कमेंट करके एक बार जरूर मुझे बताना। बैट्समैन से देखें तो साई सुदर्शन है, सुमन गिल है, विराट कोहली, डुप्लेसी है, सुमन गिल को कैप्टन बना रखा है, वाइस कैप्टन मैंने विराट कोहली को बना रखा है। आप चाहो तो यहाँ पर उल्टा भी कर सकते हो कि विराट कोहली को कैप्टन और सुमन गिल को वाइस कैप्टन बना सकते हो, तो उसके इसके अवसर फिर विल जैक और साई सुदर्शन और अपना राशिद खान, ठीक है, ये भी एकदम वाइस कैप्टन के सबसे बेहतरीन ऑप्शन होंगे। ऑलराउंडर के सेक्शन से देखें तो यहाँ पर मैंने राशिद खान को ले रखा है, कैमरन गिल को ले रखा है, विल जैक को ले रखा है। बॉलर से देखोगे तो मोहित शर्मा है, नूर अहमद है और यहाँ पर सिराज है। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन यहाँ पर टीम का कॉम्बिनेशन है। आप मुझे कमेंट के बताओ कि इस टीम के अंदर क्या चेंजेस करना चाहोगे। फाइनल टीम जो होगी टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फैक्शन काफी सारे बन चुके हैं जो जेन्युइन है, उसी को फॉलो करना। और वीडियो के आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा, इस खेल में आदत लगना या आरसी जोकिंग संभव है, जिम्मेदारी से खेलें।